नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कोरोना बेलगाम हो चुका है। देश की तुलना में बिहार में कोरोना की रफ्तार दोगुना ज्यादा होने से सरकार की नींद उड़ी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंगलवार की देर शाम जारी तीसरी रिपोर्ट के अनुसार 24 नए मामलों के साथ बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1519 पहुंच गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव ने आज कहा कि हाल के दिनों में प्रवासी लोगों के लगातार आने से चुनौतियां भी बढ़ी हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में अब तक कोरोना संक्रमण के 50,563 जांच किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,459 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कुल जाँच का 2.95% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि बिहार में लगातार टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जा रही है। अब कुल 14 जगहों पर जांच केंद्र कार्य कर रहे हैं। 3 मई के बाद आए 14,910 प्रवासियों के सैंपल जांच किए गए, जिसमें से 753 पॉजिटिव पाए गए। बिहार में अभी 198 कंटेनमेंट जोन हैं। 7,35,000 घर कंटेनमेंट जोन में पड़ते हैं। बिहार में कोरोना डबलिंग रेट 8 दिनों का है। पिछले 24 घंटे में 40 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 534 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, यानी कोरोना से रिकवरी रेट 36% है। लगातार कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।